तो दोस्तों क्या हो अगर कभी आपकी ही शक्ल का कोई इंसान एकदम आपके सामने आ जाए और आप पर अटैक कर दे। अगर हम ऐसा सोच भी लेते हैं तो ये होना नामुमकिन ही लगता है। मगर क्या आप जानते हैं WWE में ऐसा कई बार हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे WWE की ऐसी 5 स्टोरी लाइन की जब रेसलर्स को अपने ही हमशक्ल का सामना करना पड़ा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे हैं दी अंडरटेकर। योकोजुना से एक कैस्केड मैच हारने के बाद अंडरटेकर कई दिनों के लिए WWE से गायब हो गए थे। लेकिन जब वो वापस आए तो उनके साथ उनके मैनेजर पॉल बेरर नहीं थे और वो एक नए मैनेजर के साथ वापस आए थे और वो मैनेजर थे द मिलियन डॉलर मैन टैग DiBiase। ये देखकर अंडरटेकर के पुराने मैनेजर पॉल बेरर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो आकर बताते हैं टैग DiBiase के संग ये जो अंडरटेकर वापस आया है ये असली अंडरटेकर नहीं है, ये एक डुप्लीकेट है। और पॉल बेरर ये वादा करते हैं असली अंडरटेकर समर स्लैम में वापस आएगा और इस डुप्लीकेट को ख़त्म कर देगा। और जब समर स्लैम में पॉल बेरर अपने अंडरटेकर को लेके आते हैं, एक साथ दो अंडरटेकर देखकर फैंस भी काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर का मैच स्टार्ट हो जाता है और इस मैच में दोनों अंडरटेकर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। और मैच के अंत में पॉल बेरर वाले अंडरटेकर दो टोमस्टोन पावर ड्राइवर लगाकर जीत हासिल कर लेते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि वही है असली अंडरटेकर। और नंबर 2 पे हैं द आइकॉन स्टिंग। स्टिंग WCW के काफ़ी फेमस रेसलर हुआ करते थे, लेकिन जब वो 1996 में NWO की टीम को ज्वाइन करते हैं ये देखकर सभी फैंस काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्टिंग पहले NWO टीम के सख्त खिलाफ थे, इसलिए किसी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था आखिर स्टिंग ने NWO टीम को क्यों ज्वाइन कर लिया। लेकिन सच ये था जो स्टिंग NWO में था वह एक नकली स्टिंग था जिसे NWO की टीम असली स्टिंग जैसा बनाकर ले आई थी। लेकिन इस बात का पर्दाफाश तब होता है जब असली स्टिंग अपनी वापसी करते हैं और नकली स्टिंग को एक सेकंड में ढेर कर देते हैं और NWO की पूरी टीम को भी सबक सिखाते हैं। और नंबर 3 पे आते हैं द बिगरेट मशीन केन। केन को भी WWE में एक बार अपने हमशक्ल का सामना करना पड़ गया था। ये बात है 19 मई 2006 की, जब केन की मूवी सीनो इवल रिलीज होने वाली थी। तभी के रॉ के एक एपिसोड में केन जब शेल्टन बेंजामिन का सामना कर रहे होते हैं तभी एकदम से रिंग में रेड लाइट हो जाती है और केन का पुराना एंट्रेंस म्यूजिक बजने लगता है और हम देखते हैं कि सामने से एक आदमी आता है जिसने पुराने केन जैसा गेटअप किया हुआ है, जिसे देखकर केन भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर डुप्लीकेट केन रियल केन पे एक चॉक स्लैम लगा देता है, जिसके बाद दोनों केन की राइवलरी शुरू हो जाती है। और वेंजेंस के एक पेपर व्यू में दोनों केन के बीच एक मैच होता है जिसे नकली केन जीत जाता है। इसी पेपर व्यू के बाद के मंडे नाइट रॉ पर जब केन रैंडी ओरन का सामना कर रहे होते हैं इस मैच में नकली केन फिर से इंटरप्ट कर देता है और केन पे अटैक कर देता है, लेकिन इस बार बासी उल्टी पड़ जाती है और रियल केन फेक केन पे भारी पड़ता है और रियल केन फेक केन को मारते मारते WWE के एग्जिट गेट से बाहर फेंक देता है और उससे अपना मास्क भी छीन लेता है, जिसके बाद फेक केन हमें WWE में फिर कभी दिखाई नहीं दिया। नंबर 4 पे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। 2020 के एक्सट्रीम रूल में ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वाइट के बीच एक काफ़ी खतरनाक मैच हुआ था। इस मैच में हमें काफ़ी डरावनी और अजीबोगरीब चीज़ें भी देखने को मिली थी। इस मैच में ब्रे वाइट ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ काफ़ी सारे माइंड गेम खेलते हैं, लेकिन जब इस मैच में एक ऐसा वक्त आता है जब ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्रे वाइट पर काफ़ी भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से कोई फावड़े से उनके ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उन पर अटैक करने वाला और कोई नहीं, वो खुद ही थे। इससे पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन कुछ समझ पाते तभी दूसरा स्ट्रोमैन उन पर फावड़े से फिर से अटैक कर देता है, जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन बेहोश हो जाते हैं। और नंबर 5 पे हैं डॉइंग द क्लाउन। WWE की हिस्ट्री में डॉइंग द क्लाउन काफ़ी डरावने रेसलर रहे हैं। इन्होंने कभी खुद का सामना तो नहीं किया, लेकिन अपने एक मैच में जीत हासिल करने के लिए अपने ही जैसे दिखने वाले एक दूसरे डूइंग द क्लाउन की मदद ज़रूर ली है। यह इनका रेसलमेनिया का पहला मैच था जिसमें इनके अपोनेंट द क्रश नाम के एक रेसलर थे। इस मैच में फाइट के दौरान जब क्रश क्लाउन पे भारी पड़ रहे होते हैं तभी क्लाउन जानबूझ के रेफरी को नॉकआउट कर देते हैं,
जिसका फायदा उठाकर दूसरा क्लाउन भी रिंग में आ जाता है और क्रश पे अटैक कर देता है, और फिर दोनों क्लाउन मिलकर क्रश को नॉकआउट कर देते हैं। और इन दोनों की डरावनी हंसी के साथ ये मैच यहीं ख़त्म हो जाता है। तो इनमें से कौन सी स्टोरी लाइन आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।